शुरू करें जी। पाकिस्तान के इतिहास में जब से पाकिस्तान बना है, ये पहली बार हुआ है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार ने दूसरी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया है। ये पहली बार होने जा रहा है, नहीं तो हमेशा सैनिक शासन ही बीच में इंटरप्शन करता रहा। और ये लोकतंत्र का एक बदनुमा चेहरा था पाकिस्तान का, जो आज जिसके दाग आज धुले हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की मजबूती भारत के लिए एक सुखद है, सुखद बात है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विषय है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भारत की ख्याति है, जो पहुंच है, वो भारत के पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा और उसकी मजबूती बढ़ने से ही बढ़ेगी और भारत और मजबूत होगा। अभी जो पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके नेता जिसके प्रधानमंत्री आसिफ अली जरदारी साहब थे, भ्रष्टाचार के कारण उनकी सरकार गई है। मीडिया को ऐसा लगा, लोगों को ऐसा लगा कि अभी ये चुनाव के जो नतीजे आएंगे, ये नतीजे एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान की जनता ने इस बार मन बनाया कि शक्तिशाली लोकतंत्र के लिए वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुट करके वोट करें। तालिबानियों ने धमकी दी, लोगों को घर से नहीं निकलने की बात कही, बम ब्लास्ट किए, 24 लोग मारे गए, इलेक्शन के दौरान 100 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों से निकले, इसको नज़रअंदाज किया और लोकतंत्र में उन्होंने अपनी मजबूती से अपनी बात रखी, वोट दिया, एक नई सरकार के गठन का दरवाजा प्रशस्त किया जो पूर्ण रूप से बहुमत में आए और पाकिस्तान का विकास कर सके। आज तक जो कुछ भी पाकिस्तान में होता रहा, पाकिस्तान के लोग करते रहे। लोग का मतलब मेरा वहाँ की जनता से नहीं, वहाँ की आवाम से नहीं, वहाँ के सत्तानशीन लोगों से है। जो सैनिक शाही रही है वो हमेशा कहीं ना कहीं भारत को डिस्टर्ब करके और पाकिस्तान को मजबूत करने का सपना देखती रही है, लेकिन आज ये स्थिति बदली है। आज पाकिस्तान का जो सैनिक तंत्र है, निश्चित रूप से नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बहुत आसानी से उन्हें काम नहीं करने देंगे। वो सैनिक तंत्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, लेकिन सैनिक तंत्र के ऊपर खुद ही इतनी परेशानियां हैं, तालिबान की परेशानियां हैं, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की सरकार की, जो तालिबानी सरकार वहां की है, उससे जो परेशानी पैदा हो रही है, वो कहीं ना कहीं इनका जो रुख भारत की तरफ था वो दूसरी तरफ मुड़ा है। तो मैं पाकिस्तान में लोकतंत्र की इस जो स्थापना हो रही है, इसको एक सुखद मानता हूं और ये मेरी शुभकामना है पाकिस्तान के लोकतंत्र को कि ये और मजबूत बने, प्रतिष्ठाशाली बने। भारत को इसमें खुशी है और भारत अपने पड़ोसी राज्यों में भी, बांग्लादेश, लंका, म्यांमार, और एक तरह से कहें तो जो बृहत्तर भारत का जो स्वरूप था, प्राचीन भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप जिसे आज के रूप आज जाना जाता है, इसके सभी देशों में लोकतांत्रिक स्वरूप मजबूत बने, इससे भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले जो नेता हैं हमारे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो सोच है, भारत की वह एकता, वह अखंडता जो बहुत समय पहले रही थी, प्राचीन भारत में रही थी, वह पुनः कायम हो सके, उसका स्वरूप बदल सकता है केवल इस भारतीय उपमहाद्वीप को भारतीय संघ के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है। जैसे यूरोप में यूरोपियन संघ बना, उनकी एक मुद्रा बनी, एक व्यवस्था बनी,
इस तरह से हम भारतीय संघ की स्थापना के बारे में भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और भारत के पड़ोसी राज्यों को, भारतीय उपमहाद्वीप के सभी राज्यों को इस विषय में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेज हैं इसके सामने। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, सैनिक शक्ति भी उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी है, और परिणाम क्या हो रहा है? वो कहीं भारत में लद्दाख की सीमा के अंदर घुस रहा है, कहीं जापान के द्वीपों पर अपना अधिकार जता रहा है, कहीं हिंद महासागर के अंदर घुसपैठ कर रहा है, कहीं अरब सागर में अपनी पनडुब्बियों के लिए पोर्ट बना रहा है। क्या योजना है चीन की? चीन की इस विध्वंसकारी योजना और सोच को काउंटर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि भारतीय संघ की स्थापना हो और भारत की अगल बगल लोकतंत्र मजबूत हो, जिससे भारत के, भारतीय उपमहाद्वीप के और दुनिया के लोग सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सके। मैं फिर एक बार पाकिस्तान में लोकतंत्र की इस आने वाली सरकार को, उसके होने वाले प्रधानमंत्री को शुभकामना देते हुए बधाई देता हूँ।